नमस्कार, मैं कंचन एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं गुड मॉर्निंग सुपर फास्ट सुबह की कुछ खास, कुछ हल्की फुल्की खबरें जिनको सुनकर आपका दिन बन जाए। आज दूसरे दिन लाल सिंह चड्ढा के बिजनेस में 40% की गिरावट। जी हां, रक्षाबंधन का कलेक्शन भी 30% फिसला। एक्टर आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार की रक्षाबंधन दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रही हैं। पहले दिन की तुलना में दूसरे दिन लाल सिंह चड्ढा के बिजनेस में 40% और रक्षाबंधन के कलेक्शन में 30% का गिरावट देखने को मिली है। लाल सिंह चड्ढा ने दो दिन में कमाए 200 करोड़। रिपोर्ट्स के मुताबिक 180 करोड़ के बजट में बनी लाल सिंह चड्ढा दूसरे दिन शुक्रवार 8.5 करोड़ रुपए ही कमा पाई है। वहीं पहले दिन फिल्म ने 12 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। इस हिसाब से फिल्म दो दिन में इंडिया से अब तक 20.5 करोड़ रुपए का ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर पाई है। रक्षाबंधन ने दो दिन में कमाए 15 करोड़। वहीं 70 करोड़ के बजट में बनी रक्षाबंधन ने दूसरे दिन करीब 7 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। पहले दिन फिल्म ने 8 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस हिसाब से फिल्म दो दिन में इंडिया से अब तक करीब 15 करोड़ रुपए का ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर पाई है। महाराष्ट्र में सरकार जाते ही कांग्रेस शिवसेना में तकरार। कांग्रेस बोली, शिवसेना के साथ गठबंधन स्थायी नहीं, हम हालात के चलते साथ आए महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी। गठबंधन सरकार को गए 1.5 महीना भी नहीं बीता है, लेकिन कांग्रेस और शिवसेना में अभी से तकरार देखने लगी है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने शुक्रवार को कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ उनका गठबंधन स्वाभाविक और स्थायी नहीं है। जिस समय शिवसेना से गठबंधन हुआ था उस दौरान परिस्थितियां अलग थी। पटोले ने विधान परिषद में विपक्ष के नेता के तौर पर शिवसेना के अंबादास दानवे की नियुक्ति पर भी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि यह पद कांग्रेस को दिया जाना चाहिए था। एनसीपी और शिवसेना ने मिलकर दोनों पद आपस में बांट लिए। शिवसेना ने हाल ही में अपनी पार्टी के अंबादास दानव को विधान परिषद में विपक्ष का नेता बनाया था। पटोले ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को विपक्ष में लिए बिना यह कदम उठाया गया। पटोले ने कहा, विधानसभा में एनसीपी की ओर से विपक्ष का नेता बनाया गया, जबकि परिषद के उपाध्यक्ष का पद शिवसेना को भी दिया गया है। पटोले ने कहा कि विपक्ष का नेता कांग्रेस की ओर से होना चाहिए था, लेकिन हमसे पूछे बिना फैसला लिया गया। हम इस मुद्दे को उठाएंगे, इस पर मामले पर शिवसेना से बात करने को तैयार हैं। अलग वे बात नहीं करना चाहते तो उनकी चिंता है। हमने उनके साथ एक अलग स्थिति में गठबंधन किया था, यह हमारा स्वाभाविक या स्थायी गठबंधन नहीं है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर पौधारोपण, अतिथियों ने दिया मूल मंत्र। पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए केवल वनीकरण ही एकमात्र उपाय। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को इस बार 15 अगस्त को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर भारत सरकार की ओर से देशभक्ति की भावना का आह्वान करने के लिए हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है। अभियान की इस कड़ी में सुधा रुस्तगी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज एंड रिसर्च में 12 अगस्त का पौधारोपण अभियान चलाया गया। इस दौरान संस्थान के अध्यक्ष डीवी गुप्ता, सचिव दीपक गुप्ता, प्रधानाचार्य डॉक्टर सीएम मढ़िया एवं सीईओ डॉक्टर विशाल जुनेजा के नेतृत्व में विभिन्न तरह के पौधे रोपे गए। इस मौके पर खेड़ी कला सीएचसी के एमएमओ डॉक्टर हरजिंदर सिंह और डॉक्टर सनी कन्मश मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। राष्ट्रीय ध्वज फहराकर इस अभियान की शुरुआत की गई। इसके बाद संस्था के सभी अधिकारी और स्टूडेंट्स ने परिसर में विभिन्न किस्म के पौधे लगाए। इस दौरान अतिथियों ने कहा कि पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए केवल वनीकरण ही एकमात्र उपाय है। राज्य में वन क्षेत्र को हुए नुकसान पर चिंता जताते हुए अतिथियों ने कहा कि 30 वर्षों में हरियाणा का लगभग 2/3 वन क्षेत्र अतिक्रमण और औद्योगिक परिजन कारण कम हुआ है, जिससे प्रकृति और पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा, एक पेड़ अपने पूरे जीवन काल में 1 टन कार्बन ऑक्साइड को अवशोषित कर सकता है। इस प्रकार एक पेड़ 4 लोगों के परिवार के लिए बीमा की तरह कार्य करता है। आज की खास खबरों को यहीं विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी। नमस्कार।